Don't forget to subscribe our YouTube channel. टॉपिक को समझने के लिए हमारी ये वीडियो एंड तक देखें। डिसऑर्डर आता है वो पिका। पिका एक्चुअली इसके जो पेशेंट्स होते हैं वो नॉन न्यूट्रिटिव फूड खाते हैं, मतलब उसमें ऐसी चीज़ों को खाने के शौकीन रहते हैं जिससे उनको डेवलपमेंट या उनकी न्यूट्रिशन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कि ये कि बॉडी की जो डेवलपमेंट होगी वो मुतासिर हो सकती है लेकिन उसको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। अक्सर हमने देखा होगा कि बच्चे जो है मिट्टी खाते हैं, तो मिट्टी के खाने से कुछ उनके जिस्म को उनके डेवलपमेंट पर कोई असर नहीं पड़ता या कोई पॉजिटिव ग्रोथ उनकी नहीं होती, लेकिन बस वो उनको शौक होता है, फजूल सी चीज़ें खा रहे होते हैं। इसी तरह कुछ और चीज़ें हम देखते हैं कि बच्चों से लेते हैं, मोस्टली मैं बच्चे की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ये एल्डर भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ उठा के खा रहे होंगे जो कि मतलब वो फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा वो, और जो असल चीज़ होती है जो न्यूट्रिटिव फूड होता है जिनमें न्यूट्रिशन होता है वो जो उस चीज़ को अवॉइड करेंगे। लेकिन गैर ज़रूरी चीज़, गैर ज़रूरी फजूल चीज़ें खाने की शौकीन होंगे, लेकिन जो असल खुराक होगी, जो असल खुराक की चीज़ें होंगी जिसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे, जिसमें प्रोटीन्स होगा, विटामिन्स होंगे, उन चीज़ों को नहीं खाएंगे। लेकिन फजूल सी जो चीज़ें होंगी जिनका कोई मकसद नहीं होगा उन चीज़ों को खाया जाएगा। ये जो है वो पिका के पेशेंट्स करते हैं। रुमिनेशन डिसऑर्डर में ये होता है कि इंसान जो कुछ खाया हुआ होता है उसने वो दोबारा अपने हल्क से निकाल के दोबारा अपने सामने रखता है, और हालांकि वो उसने जो है वो नीचे तो स्टमक तक नहीं पहुंचा होता, उसके हल्क या उसमें क्या कह देते हैं कि उसके जो कैनाल ट्यूब होता है इंसान का जिधर से खुराक पास होता है स्टमक को, तो सर हम अक्सर इस तरह करते हैं कि कोई चीज़ हम जब खाने के वक्त दौरान हमें कोई चीज़ चावल में अक्सर एक पत्थर वगैरह आ जाते तो हम अपना नवाला जो है वो बाहर निकाल के फेंक देते हैं। वो तो एक इंसिडेंट हो गया, एक मसला है, ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं इस डिसऑर्डर में कि खा रहे होते हैं और अचानक से उसी खुराक को जो उसके उनके मुंह में होता है वो बाहर निकालते हैं, और फिर जो है उस जो ऑलरेडी खाया मतलब चबा लिया होता है उसी चबाए हुए खुराक को दोबारा या खाते हैं या फिर जो खुराक खा के दोबारा फेंक देते हैं। यानी या तो उसी चबाए हुए खुराक को दोबारा खा लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट वो चबाते फिर निकालते फिर उसको दोबारा खा लेते हैं, ठीक है, एक तो ये होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो चबाते हैं और फिर उसे फेंक देते हैं, खाते ही नहीं है, मतलब चबाए हुए खुराक को या फेंक देते हैं। तो ये जो चीज़ होगी रुमिनेशन डिसऑर्डर में अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर, इसमें ये होता है कि इंसान जो होता है उसका दिल ही नहीं कर रहा था किसी भी चीज़ को खाने का। वो एक किस्म का जो इंसान जो डिप्रेसिव टाइप नहीं होता, जिसका कुछ दिल नहीं करता खाने का, कुछ भी नहीं दिल करता, और बस ना उसको फिक्र होती है अपनी वेट गेन करने की, अपने डेवलपमेंट की, और कोई रीज़न नहीं है इसमें कि वो क्यों नहीं खा रहा, ठीक है, बस उसको कि अपनी पसंद की चीज़ें भी आता है कि उसकी जो पसंद की चीज़ होती है जो उसको पहले बहुत पसंद होती थी, जिस तरह हमारे यहाँ लोगों को बिरयानी बहुत पसंद होती है, किसी को कबाब बहुत पसंद होता है, तो हालांकि वो उस चीज़ें भी अगर उसके सामने पड़े फिर भी वो नहीं खाएगा। तो ये एक हमारे पास इस डिसऑर्डर में आता है। इसको एनोरेक्सिया नर्वोसा के साथ नहीं वो करना मिलाना, क्योंकि एनोरेक्सिया नर्वोसा में जो होता है वो एक्चुअली फेयर होता है इंसान का कि मैं मोटा हो जाऊंगा तब वो नहीं खा रहा होता, लेकिन इसमें ये होता है कि इंसान बिला वजह इसके पास कोई रीज़न नहीं है कि मैं मोटा होऊंगा या नहीं होऊंगा, उसका कोई रीज़न नहीं है लेकिन फिर भी नहीं खा रहा। अब एनोरेक्सिया नर्वोसा में ये होता है कि सबसे पहले जो फैक्टर आपने समझना है कि इंसान को खौफ होता है कि अगर मैंने कुछ खा लिया तो क्या होगा कि मैं मोटा हो जाऊंगा, ठीक है, मेरा वेट बढ़ जाएगा। तो इस वेट को बढ़ना, इस वेट के ज़्यादा मोटा होने से बचने के लिए वो खुराक ही बंद कर देता है, और वो उस पर इतना अफेक्ट करता है, उस पर इतना नेगेटिव अफेक्ट करता है कि वो बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाता है, उसका वेट लॉस हो जाता है, और उसको नज़र आ रहा होता है कि वेट लॉस हो रहा है, उसके ऊपर अफेक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी वो नहीं खाता। उसके जहन में एक चीज़ आ गई कि मैं मोटा हो जाऊँगा, मैंने अगर थोड़ा सा भी खा लिया मैं मोटा हो जाऊँगा, मैं जो है वो वेट गेन कर लूँगा। तो ये एक साइकोलॉजिकली जो है वो एक इशू होता है कि इंसान भागता है, खुराक से भागता है और अवॉइड करते हैं खुराक को ताकि वो उसको खौफ होता है कि मैं शायद मोटा हो जाऊंगा। बुलिमिया नर्वोसा, इस चीज़ को समझना है, बुलिमिया नर्वोसा और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर सेम है, इसका जो क्राइटेरिया है दोनों का सेम है लेकिन सिर्फ माइनर से एक डिफरेंस है। बुलिमिया नर्वोसा ये होता है कि इंसान इतना ज़्यादा खाते हैं दो घंटों के एक एग्ज़ाम्पल के लिए कि नॉर्मल बंदा इतना नहीं खाता और इतना ज़्यादा खा लेता है कि वो बस उसका सारा जो टाइम होता है सारा फोकस ये होता है कि वो कितना ज़्यादा खा सके, तो उतना खा सके, मतलब जितने कम वक्त में जितना ज़्यादा खा सके उसको वो खुराक को वो खाता है और खुराक पे ही उसका फोकस होता है। जो बुलिमिया नर्वोसा और बिंजिंग ईटिंग डिसऑर्डर में फ़र्क है, बुलिमिया नर्वोसा भी होता है कि जब
वो इंसान जब वो ज़्यादा खाते हैं तो उसको खाने के बाद एहसास होता है कि यार मैंने तो कुछ ज़्यादा खा लिया, और मैं ये ना हो कि मेरा वेट बढ़ जाए और कुछ मेरे साथ ऐसा वैसा हो जाए, तो वो क्या करता है, सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करता है, अपने हल्क में या इनर ट्यूब में जो है उंगलियां अंदर करता है, वो उल्टियां स्टार्ट कर देता है ताकि मेरा वेट ना बढ़ सके। पहले जिस वक्त वो खा रहा था उसको ये अंदाजा नहीं हो रहा था कि मेरा वेट बढ़ेगा, बस वो अपने खुराक में ही मसरूफ था, लेकिन जैसे ही खा लिया उसको क्या हुआ कि उसको थोड़ा सा शर्मिंदा होने लगा, आपके यार मैं मोटा हो जाऊंगा, मेरा वेट गेन हो जाएगा। तो एकदम से क्या करता है कि वो अपने उसको वेट गेन से बचने के लिए क्या करता है, जो उसने खाया हुआ होता है वो उसको दोबारा बाहर फेंकने के लिए उल्टियाँ करता है, खुद से सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करता है, उंगलियां मुंह में डाल के वो जो है वो वॉमिट करना स्टार्ट कर देता है, और फिर या कहते हैं ऐसी मेडिसिन देता है कि जिसकी वजह से उसका वो वेट जो है वो ना बढ़ सके। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में भी सेम चीज़ है, वो खाता है 2 घंटे में जितना हो सके वो खाता है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो होता है वो खाने पर ही होता है, और उसी तरह उसको भी पेशानी होती है कि यार मैंने बहुत ज़्यादा खाया। लेकिन इसमें ये फ़र्क होता है कि वो अपना सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग नहीं करता, वो जो खा चुका है वो खा चुका है, उसको दोबारा बाहर लाता नहीं है, वो मेडिसिन को नहीं यूज़ करता है जो उसका वेट जो है वो कम करे। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, उसको शर्मिंदगी होती है कि वो उसने ज़्यादा उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, तो उसकी वजह से वो या तो मेडिसिन यूज़ करते हैं वेट को कम करने की, या फिर वो सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करता है, जो खाया हुआ है उसको मैं बाहर निकाल सकूँ। लेकिन बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में होता है कि वो जो है वो जितना वो खा चुका है वो उसको कभी भी बाहर नहीं लाता, उसने वो उसको वो कहते हैं यार बस जितना जो करना था कर लिया, मैंने खा लिया, बस अब छोड़ दो, जो होना था हो गया। तो ये सिंपल मेन डिफरेंस है। And thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe our YouTube channel.